हेलो फ्रेंड्स, आई सुनीता शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज, वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ गुरु केपीयू। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन स्टूडेंट डिसिप्लिन। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय समाज का लघु रूप है और शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इसलिए किसी भी राष्ट्र और समाज के लिए अनुशासन अति आवश्यक है। अनुशासन वह माध्यम है जिससे कि भावनाओं एवं शक्तियों को नियमबद्ध करके कार्य में दक्षता लाई जा सकती है। शाब्दिक दृष्टि से अगर हम देखें तो अनुशासन शब्द को का अंग्रेजी रूपांतर डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड डिसिपुलस से बना है, और जिसका अर्थ होता है टू लर्न, अर्थात सीखना। इसके बाद में हम देखते हैं कि विद्यालयों में डिसिप्लिन मेंटेन करने के कुछ सोर्सेज बताए गए हैं। तो हमारे पास है विद्यालय में मेंटेन डिसिप्लिन के दो प्रकार के सोर्सेज बताए गए हैं, पॉजिटिव सोर्सेज और निगेटिव सोर्सेज। पॉजिटिव सोर्सेज में सबसे पहले आता है हमारा सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल अर्थात आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण के द्वारा विद्यार्थी अपने संवेगों, अपनी भावनाओं को केंद्रित करता है, नियंत्रित करता है और अपने आप को डिसिप्लिन में रखने का प्रयास करता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्कूल एटमॉस्फेयर एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, अर्थात विद्यालय का वातावरण और अध्ययन शिक्षा की जो सुविधाएं हैं वे भी विद्यार्थी को अनुशासित रखती हैं। विद्यालय के जो अपनी सुविधाएं होती हैं वो, जिसमें कि विद्यार्थी का जो स्कूल का जो समय है वो बहुत व्यस्त बनाती हैं, जिससे कि विद्यार्थी अनुशासन में रह सकता है। उसके बाद आता है हमारे स्कूल ट्रेडिशंस, अर्थात हमारे विद्यालय की परंपराएं। प्रत्येक विद्यालय की कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है। इसलिए जो स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए हम स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्पोर्ट्स, अर्थात खेलकूद। हम सभी जानते हैं कि विद्यार्थी का जो समय, विद्यार्थी का किशोर अवस्था के समय होता है वो बहुत ही अधिक ऊर्जावान होता है, उसमें अत्यंत शक्तियाँ होती है। तो हम अगर उन शक्तियों को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं तो विद्यार्थी को हम अनुशासित रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मोरल एजुकेशन, अर्थात नैतिक मूल्य। विद्यार्थियों में मोरल एजुकेशन और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के माध्यम से भी हम उनको अनुशासित रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है को करिकुलर एक्टिविटीज, अर्थात पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियाँ। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए ताकि उनका जो पढ़ाई का जो स्कूल का जो टाइमिंग हो नीरस नहीं हो और वो इंटरेस्टिंग बना रहे, रोचकतापूर्ण बना रहे। इसलिए भी विद्यार्थी को हम को करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से डिसिप्लिन में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी एक विद्यार्थी को डिसिप्लिन में रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि शिक्षक को पता नहीं कि विद्यार्थी का घर पर क्रियाकलाप कैसा है और उसके पेरेंट्स को ये नहीं पता कि विद्यार्थी अपने स्कूल में किस तरह के क्रियाकलाप करता है। अगर हम दोनों की मीटिंग करवा देते हैं तो हमें विद्यार्थी के स्कूल और घर दोनों तरह के क्रियाकलापों का पता चल जाता है और हम उसकी गलतियों में सुधार करके उसको डिसिप्लिन में रख सकते हैं। निगेटिव सोर्सेज, निगेटिव सोर्सेज में सबसे पहले आता है फाइनेंशियली सोर्सेज। किसी भी प्रकार का हम उसको दंड के रूप में शिक्षण शुल्क ले सकते हैं और इस प्रकार के दंड के द्वारा हम उसमें सुधार कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है हमारा मेंटली पनिशमेंट। मेंटली पनिशमेंट के द्वारा हम विद्यार्थी को दिमागी तौर पर कुछ उसकी गलतियों का एहसास करा सकते हैं और उसमें अनुशासन की भावना का विकास कर सकते हैं। और थर्ड नंबर आता है हमारा फिजिकली पनिशमेंट। प्राचीन काल में फिजिकली पनिशमेंट चलता था, मध्य काल में थोड़ा उसका बहुत जोर था, लेकिन वर्तमान में सरकार ने फिजिकली पनिशमेंट को अवमान्य घोषित कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।